उमेश घरत हे मात्र स्ट्राइक वरती आहेत, नॉन स्ट्राइक एंड वरती पाहिलं तर प्रतीक पाटील धोनी संघाला स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप साऱ्या शुभेच्छा। छोटे मोठे युद्ध संपलेत, आता आरंभ होतोय, शुभारंभ होतोय महायुद्धाला। गोलंदाजीचे मा करतोय गोलंदाज झाले आकाश भोईर, बॅटच्या प्रॉपर रडार मध्ये येत नाही चेंडू, मात्र गरंगलत चाललाय जमिनीला, चाटत पुसत हा चेंडू जाईल वायडिश लॉंग आउट मधून क्षेत्ररक्षक येतील। तो पर्यंत मात्र एकच धाव आणि एका धावेच्या बरोबरीने श्री गणेश ओपन होतोय, ते मात्र सिद्धी विनायक वाहल टीमचं सलामीची जोडी मैदानावरती पाहिली। पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये सातत्याने आपण पाहिले, आकाश भोईर खूप चांगली गोलंदाजी इम्प्रेस केलाय सकाळच्या सत्रापासून या गोलंदाजानं, पण तितकं चांगलं खेळ फलंदाज आपण पाहिला प्रतीक पाटीलने देखील दाखवलंय। कॅप्टन ऑफ द टीम संघनायक आहेच आणि संघाला मात्र सावरण्याचं काम त्यांच्या मधून पाहतो। ओहो वेगाची स्वारी गोलंदाजी मात्र अविनाश करतोय जाम भारी, आज प्रतिम गोलंदाजीचा मुजोरा आकाश नामक गोलंदाज मात्र आपल्या भारतातून पेश करतोय अप्रतिम गोलंदाजी। अचूक टप्पा आहे, दिशा आहे वेग आणि सातत्याने चांगली दिशा आणि लेंथ मात्र गोलंदाजी या ठिकाणी पाहिली, खूप चांगली गोलंदाजी इम्प्रेस केलाय गोलंदाजीच्या माध्यमातून प्रत्येक गोल फलंदाजाला मात्र जखडून ठेवला या गोलंदाजानं। ही वलक आहे गोलंदाजी करत असताना आकाश भोईरची, जो या इलेव्हन गेस्ट टीम खूप फॉर्म मध्ये चालणारा संघ आपण पाहिलोय। पुढील चेंडू स्लोवर मिश्रित गोलंदाजी, स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, शॉर्ट स्क्वेअर लेग मधून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत एक धाव कंप्लीट होईल आणि एका धावेच्या बरोबरीने संघ जाऊन ठेपतो। एकूण धाव संख्या धावफलकावरती पाहिल्या तर दोन धावा धावफलकावरती, षटकातील चेंडू फेकून होत आहे तीन, चांगली गोलंदाजी अप्रतिम गोलंदाजी, म्हणजे मॅन्डेटरी पॉवर प्ले म्हणजे अजून काय हवं, कारण अप्रतिम गोलंदाजी प्रत्येक चेंडूवरती व्हेरिएशन दाखवतोय हा गोलंदाज। लेफ्टहँड राऊंड विकेट, वा परफ्युम डिलिव्हरी आपण पाहिली, अगदी नाकाला चुंबन घेऊन जाणारा हा चेंडू आपण पाहिला, बॅटच्या रडारमध्ये हा चेंडू येत नाही तोपर्यंत निर्धाव चेंडू जे सांगता होते। षटक क्रमांक पहिल्या प्रगतीपथावर असताना एकूण धावसंख्या धावकळतो पाहिली तर दोनच धावा अप्रतिम अप्रतिम गोलंदाजी। षटकातील पुढील चेंडू, बॅटच्या प्रॉपर रडारमध्ये हा चेंडू येत नाही, क्षेत्ररक्षक येतील तोपर्यंत या ठिकाणी ऑन द स्टम्प थ्रो हवी होती ती मात्र होत नाही, दोन धावा मिळतील आणि दोन धावच्या बरोबरीने संघ जाऊन ठेपतोय। एकूण धावसंख्या धावपळतो पाहिल्या तर चार धावा चेंडू फेकून येते षटकातील पाच, अद्याप देखील शेवटचा चेंडू अंतिम षटकाचा खेळ या ठिकाणी बाकी असेल। षटकातील आपण पाहिला पाच चेंडूवरती खूप चांगली गोलंदाजी आकाश नामक गोलंदाजाने दाखवली, अंतिम चेंडू वा जबरदस्त गोलंदाजी बॅटच्या रडारमध्ये येत नाही, या वेळेस मात्र चेंडू जातोय सरळ निर्धाव आणि खूप चांगली गोल्डन जुबली ओव्हरची समाप्ती होते पहिल्या षटकाची सांगता झाल्यानंतर। एका षटकाच्या अखेरीस एकूण धावसंख्या धावपळती पाहिली तर सिद्धी विनायक वाल संघाची एकूण धावसंख्या पाहिली फक्त आणि फक्त संत वाहती इंद्रायणी चार धावा धावपळकावती। डी स्पीड अप करा गोलंदाजी, पहिल्या षटकामध्ये काही जमलं नाही म्हणून काय झालं, आता मात्र येणाऱ्या षटकामध्ये मात्र आपण या षटकामध्ये कमबॅक करू शकतो, कारण प्रत्येक गोलंदाज हा एकमेव असा गोलंदाज नसतो की तो प्रत्येक वेळी चांगली गोलंदाजी करू शकतोय, परंतु या गोलंदाजाचा विचार केला नवीन गोलंदाज दक्षित पाटीलने देखील खूप चांगली गोलंदाजी केली, एकमेव आश्रय गेसर संघाचा जो या इलेव्हन गेसर संघाचा पाहिला तर त्यांच्या ही मात्र गोलंदाजी हे त्यांचा आश्रयानं ते दाखवत आहेत, प्रस्थापित करतायत आणि स्वतःला सिद्ध करतात। ज्यावेळी तुम्ही स्वतःला सिद्ध कराल तेव्हाच तुम्ही प्रसिद्ध व्हाल, लोकांची तुम्हाला मात्र ओळख जर निर्माण करायची असेल तर स्वतःला सिद्ध करावं लागेल। पहिल्या चेंडूवरती मात्र पहिला परफ्युम डिलिव्हरी गोलंदाजी करत असताना दक्षित पाटील इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी, त्याच्या रडारमध्ये येत नाही, फटका फसला आहे, क्षेत्ररक्षक येतील, चांगले एफर्ट्स परंतु झेल मात्र भूदान होते, एफर्ट्स खूप चांगले होते, एक धाव मिळेल एका धावेच्या बरोबरीने संघ जाऊन ठेपतो। एकूण धावसंख्या पाहिली तर पाच धावा या षटकामध्ये धावसंख्या बनवाव्या लागतील, कारण गेसर संघ हा देखील खूप मोठा संघ आहे, कारण त्यांच्यामध्ये गोरखसारखा मोठा फलंदाज आहे, खूप चांगली फडकेबाजी त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिली। षटकातील पुढील चेंडू दक्षित,
यावेळेस लीडिंग गेट क्षेत्ररक्षक तैनात, क्षेत्ररक्षक आपण पाहिले दीप मात्रे त्या ठिकाणी होते आणि फलंदाज बाद होतील. पहिला झटका, झटका क्रमांक एक उमेश करत बॅक टू डग आउट. वैभव पाटील आमचे जितू असतील, आमचे निश्चित जरबी एक चांगले गोलंदाज आहेत, आमचे अंकुश नेरुळकर, त्यानंतर आमचे संदीप दादा पाटील असतील, आमचे रोनक निश्चितच खूप मेहनत घेतली या स्पर्धेमध्ये. आपण पाहिली बॅटच्या रडारमध्ये तुम्ही थांबू शकत नाही या फलंदाजाला, मात्र बॅटच्या रडारमधून येते हा गगनचुंबी आसमानी टोला संघर्षमय षटकार. संघर्ष या ठिकाणी चालवे, कारण जीवनात संघर्ष या शब्दाला महत्व नाही तर संघर्ष करणाऱ्याला खूप महत्व आहे आणि तो संघर्ष चालू केलाय फलंदाज प्रतिज्ञा. षटकातील पुढील चेंडू त्याच्या रडारमध्ये व्यवस्थितरित्या येत नाही, लॉंग आउट आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये हा चेंडू आपण पाहिला. एक धाव मिळेल एका धावच्या बरोबरीनं संघ जाऊन ठेपतो. एकूण धाव संख्या धावपळकृती पाहिली तर एका डझनाच्या घरात 12 धावा, षटक क्रमांक दुसरा प्रगतीपत्रावर असून चेंडू फेकून झाले षटकातील 5. तर अद्याप देखील शेवटचा चेंडू असेल प्रगतीपथावर. समोर फलंदाज आपण पाहिलात, नवीन येणारा फलंदाज आकाश घरत. आकाश बॅट्स मधून घे धक्का आणि घे चक्का, चेंडू वाईड इस लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून आलेला हा दमदार रुबाबदार शानदार षटकार. सिद्धिविनायक टीमची, कारण पहा पहिल्या षटकामध्ये विचार केला 4 धावा होत्या, दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर सुरुवातीचे गोल चेंडू खूप चांगले फेकलं दक्षिणनं, मात्र अंतिमच्या चौथ्या आणि 6व्या चेंडूवरती आक्रमण आपण पाहिला. 14 धावा खर्च केला त्या गोलंदाजानं. आता मात्र नवीन गोलंदाज सूरज म्हात्रेला कमबॅक करून गरजेचं असेल. दोन्ही टीम संघर्ष करतायत आणि संघर्षाला, आजच्या संघर्षाला तुम्ही वेलकम करा, कारण आजचा संघर्ष तुमचे उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करत असतो. स्विच हिटचा उपयोग केला जात होता, म्हणजे बॅटच्या रडारमध्ये या चेंडू येत नाही, या चेंडूवरती मात्र जातील सर यशरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूचे सांगता होते आणि निर्धाव चेंडूवरती कोणत्याही क्रमांक येत नसतोय. या वेळेस पहिला चेंडू सूरजने देखील निर्धाव फेकलाय. सूरज म्हात्रेकडे क्षमता आहे या चेंडू बोलवण्याची, त्याच्या रडारमध्ये येत नाही या, मात्र चेंडू सेफ झोनमध्ये शॉर्ट पॉईंटमध्ये चेंडू जाईल तोपर्यंत. एक धाव आणि एका धावच्या बरोबरीने संघ जाऊन टेपतो. एकूण धाव संख्या पहिल्या 29 धावा धावफलकावरती गडी बाद होत आहेत आपण पाहिलं तर. एक फलंदाज उमेश तिखेली संपुष्टात आली. काय गोलंदाजी, जबरदस्त कमबॅक या ठिकाणी दाखवलाय सूरजनं. स्विच हिटचा वापर पुन्हा एकदा, चुकी प्रतिज्ञा केली होती त्या चुका, मात्र या ठिकाणी हा आकाश देखील करतात. एक धाव मिळेल आणि एका धावच्या बरोबरीने संघ जाऊन ठेपतोय. ते मात्र 20 अंपायर 22 रन आहेत ना. सुरेख गोलंदाजी, क्या बात आहे, बॅक टू बॅक चेंडू, मात्र जास्तीत जास्त चेंडू या ठिकाणी निर्धाव गेले जातात. या दुनियामध्ये थांबायला तर वेल कोणाला, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला. आता मात्र हे चेंडू निर्धाव तुम्हाला बरेच काय सांगून जातील. यावेळेस मात्र जास्तीत जास्त मोठे फडके खेळणं गरजेचं आहे. निर्धाव चेंडू तुम्हाला कमी खेळावे लागतील. भन्नाट वेग, वेगाची स्वारी सूरज म्हात्रे करतोय गोलंदाजी. खूप जाम भारी, लय भारी गोलंदाजी मैदानावरती साकारली जाते. षटक क्रमांक तिसरा सूरज म्हात्रे संघाला सावरतोय. यावेळी जबरदस्त गोलंदाजी, पहा या गोलंदाजाचा विचार केला तर जबरदस्त गोलंदाजी. फक्त 3 धावा खर्च केल्यात सूरजनं. यावेळी लीडिंग गेट क्षेत्ररक्षक तैनात. चुकीला माफी नाही, दगडी चावल या चित्रपटातील एक डायलॉग आम्हाला आवडतोय. चुकीला माफी नाही आहे, चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर दणदणीत संघर्षमय चौकार.
25 धावा झाल्यात, 3 षटकांचा खेळ, चांगली गोलंदाजी आपण पाहिली, कारण पहिल्या षटकामध्ये 4 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 14 आणि या षटकामध्ये फक्त धावसंख्या आली ते मात्र 7। खूपच चांगली गोलंदाजी, कमबॅक मिळवून दिल्या खऱ्या अर्थानं। जो कमबॅक हवा होता जो या 11 टीम घेसरला, तो कमबॅक मात्र सूरजने मात्र जरूर दिलाय, कारण क्षेत्ररक्षणाची थोडी झालेली चुकी आणि चुकी आपण पाहिली तर 4 धावा देऊन गेली आहे। आता रफ्तार के सौदागर नवीन गोलंदाज जो या 11 घेसर टीमचा तालनहार संकटमोचक गोलंदाज आपण पाहणार आहोत, तो योगेश पाटील समोर फलंदाज प्रतीक। आता मात्र प्रतीकला स्वतःला सिद्ध करावं लागेल, पहिला चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये, तितकीच लांबी तितकाच अंतर, चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर, छूम अंतर। टू बैग षटकार क्रमांक 2 आगाज हो चुका है, धमाका बाकी है, आज समंदर को भी पार करना है, उसी दिशा में मेरी कश्ती लेके चलो जहां पे प्रतीक नाम का तूफान खड़ा है। कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त फटका, चेंडू सीमा रेषेचे बाहेर षटकार, 19 धावसंख्या, 10 फलकावरती पाहिल्या तर 37 37 धावा 10 फलकावरती। ओहो या वेळेस मात्र चेंडू आपण पाहिला, मात्र विकेट सॅक्रिफाईस, प्रतीकला मात्र परतावं लागेल। चला स्पीड अप करा आपण, लगेच नवीन खेळाडू पाठवा विनंती असेल। अंपायर बॅटकडे होते का लेग बायचा, आपण जो काय डिसिजन असेल लवकर देत चला, कारण नाही ते स्कोरिंगला आणि आमचे लाईव्ह अनिकेतला कुठेतरी मात्र समस्या येत आहेत। नवीन फलंदाज आपण पाहतोय रुशाल घरत, चेंडू फेकून होत आहेत, षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ या ठिकाणी सप्लाय, 19 धावसंख्या पाहिल्या तर 38 धावा, 10 फलकावरती एक चांगलं टार्गेट या ठिकाणी सेट केला जातोय, मात्र आक्रमण योगेश पाटीलला मात्र टार्गेट बनवला जातोय, प्रतीकला मात्र सावरावंच होतं, 2 षटकार त्याच्या बॅट्समधून आलं, रिक्स घ्यायची गरज नव्हती। या वेळेस अपरकट, फलंदाज बाद, शॉट दरम्यान मध्ये फलंदाज बाद होतील, या वेळेस पाहिला तर आकाश खेळ संपुष्टात। चला आपण लवकर स्पीडअप करा, नवीन फलंदाज लगेच मैदानामध्ये ताबडतोब पाठवा, जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये संघर्ष करावा लागत असेल तर स्वतःला नशीबवान समजत चला मित्रांनो, कारण देव संघर्ष करण्याची संधी फक्त त्यांनाच देते, त्यांच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं जी क्षमता असते आणि ती क्षमता मात्र प्रस्थापित खऱ्या अर्थाने केली होती प्रतीकनं। 38 धावसंख्येवरती मात्र 3 फलंदाजांचा घाशा गोंडाला, उमेश घरत, प्रतीक पाटील असेल, त्यानंतर आकाश घरत, 2 चेंडूंचा खेळ अद्याप देखील उर्वरित बाकी असेल। जबरदस्त खेल मैदानावरती आपण पाहिलात,
या विलीस मात्र बॅटच्या राडार मध्ये येत नाही. चेंडू हवेत, आणखीन एक फलंदाज बाद थांबाचा आहे फलंदाज. आपण त्या ठिकाणी थांबा आपण तिथे. शेवटचा चेंडू आहे. फलंदाज बाद झालात. चला आपण स्पीड ने चला, विनंती असेल कारण शेवटचा चेंडू आहे. एकूण धावसंख्या पाहिली धावफलकावरती रोनक 38 धावा धावफलकावरती पाहिली. तर शेवटचा चेंडू आहे, 38 धाव धावफलकावरती. षटकार आल्या 44, चौकार आला 42. पाहूया अंतिम रहस्य. ओ नशिबाची साथ, कौशल्याचा आधार, केलेला अभ्यास, मिळालेला या 5 धावा. वा रे वा, 5 मिळाल्यात या चेंडूवरती. क्षेत्ररक्षकानं मात्र मौकाच भेटलेला नाही की कशा पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करा, कारण वेग इतका होता, वेग इतका होता की मात्र निश्चित चेंडू खूप वेगानं ट्रॅव्हल झाला. क्षेत्ररक्षण करण्याची संधी मिळाली नाही आहे. 5 धावा मिळतील. 43 धावा या चेंडूवरती मोठा फटका आला तर मात्र अडचणीमध्ये येऊ शकते. आज हो या 11 घेसर टीम यार. या वेळेस स्ट्रोक चांगला आहे, लॉंगरमधून क्षेत्ररक्षक येतील. चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव कंप्लीट, दुसरीचा प्रयत्न. मात्र फलंदाज मात्र बाद, दोनच धावा मिळतील. 55 धावा झाल्यात आणि जिंकण्यासाठी धावसंख्येची गरज असेल अब तक 56 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 4 षटकामध्ये. हाय माफ करा, माफ करा, सॉरी 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 45 झाल्यात, 46 धावांची गरज आहे, माफी असावी. तर 4 षटकामध्ये काय घडणार काय बिघडणार, पुन्हा एकदा आमचे सिनियर कॉमेंटेटर संदीप पाटील सरांकडे चलतोय. तोपर्यंत डीजे डॅनी यांच्याकडे जातो. थँक्यू. चलेंगे अंतिम दौर की तरफ जहां पर मुकाबला शुरू हो चुका है. एक तरफ जोया 11 घेसर था, दूसरी तरफ सिद्धिविनायक वहाल. काफी बेहतरीन मुकाबला है. टॉस जीतने के बाद फील्ड का फैसला किया था जोया 11 घेसर टीम ने और बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दिया था सिद्धिविनायक वहाल टीम को. तो वहाल टीम की तरफ से देखा जाए तो काफी शानदार बल्लेबाजी नजर आई. तकरीबन 4 ओवर में 45 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर जोड़े हैं. 46 रनों का लक्ष्य रखा गया है टीम घेसर के सामने. इस मौसम में देखा जाए तो, इस माहौल में देखा जाए तो काफी अच्छा लक्ष्य खड़ा किया. लेकिन दूसरी तरफ घेसर टीम ने आज के दिन में पूरी तरह से संघर्ष किया है. दोनों मैच जिन्होंने जीते है और दोनों मैच अंतिम गेंद के ऊपर आकर जीते हुए हैं. तो संघर्ष काफी अच्छा उन्होंने दिया है. लेकिन देखना यहां से सिद्धिविनायक वहाल टीम ने दो मुकाबले शुरुआत में काफी बेहतरीन तरह से जीते थे और ये तीसरा मुकाबला खेल रही है. जीतने वाली टीम सुपर फोर में क्वालिफाई होगी. लेकिन देखना आज के दिन की पहली सुपर फोर में जाने वाली टीम कौन सी होगी, सिद्धिविनायक वहाल या जोया 11 घेसर.
काफी काटो भरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर। केसर टीम की तरफ से सलामी के तौर पे बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर सूरज मात्रे, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं योगेश पाटिल। लेकिन गेंदबाजी में जिस बल्लेबाज ने काफी बल्लेबाजी से उफान उठाया था, शानदार पारी खेली थी अपने टीम के लिए, तीन छक्के उन्होंने अपने बल्लेबाजी से लगाए थे और 22 रनों की नायाब पारी खेली थी वो गेंदबाज इस समय प्रतीक पाटिल, जिन्होंने बल्लेबाजी 22 रनों के साथ खेली थी। पटकी भी गेंद थी, गेंद में उछाल था, बाउंस मिली और बिल्कुल यहां पर वाइड गेंद। अतिरिक्त के साथ यहां पर शुरुआत होती हुई टीम जोया इलेवन घेसर की। तो दूसरे की कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन हो और ये देखिए सांसें रुकी थी मेरे हिसाब से सिद्धिविनायक वहाल टीम के समर्थकों की, क्योंकि टप्पा गेंद जब थ्रो फेंका खाल का वहां पर स्विंग हुआ और बैकअप में थोड़ी सी मिसफील भी जरूर थी, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में जो बैकअप के लिए आए थे खिलाड़ी उसने गेंद को कलेक्ट किया, तो दो रन मिले। दो रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो तीन रनों के ऊपर पहुंचता हुआ प्रतीक पाटिल सामने बल्लेबाज। गेंद को यहां पर रोका गया है तो सूरज मात्रे यहां पर एक बैच के रूप में ये रन्स मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो एक ऐसा पंचा जरूर मिला है टीम सिद्धिविनायक वहाल को, तो ऐसे रन बचाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो गेंद कैसे भी करके अंदर की तरफ रुकनी है, हमें रुकानी है, और इस सोच में वो खेल कर रहे हैं। आने की कोशिश यहां पर बिल्कुल बीट किया, बेहतरीन बढ़िया गेंदबाजी प्रतीक पाटिल द्वारा। यानी कि देखा जाए तो यहां से धीरे धीरे इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बल्लेबाजी करने का मौका उन्हें मिला और मौके का सुनहरा पल उन्होंने बनाया, क्योंकि इस मौसम में इस माहौल में देखा जाए तो तकरीबन 35-40 के करीब स्कोर को पहुंचाना था और वो सोच यहां पर उनके सही साबित हुई, टोटल को पहुंचा दिया उन्होंने 45 रनों के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाज योगेश पाटिल बीट होते हुए नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो यहां से प्रतीक पूरी तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे अपने टीम के लिए। मारने की कोशिश, एक और डॉट गेंद की समाप्ति, क्या बेहतर गेंदबाजी, और इसी के साथ एक गेंद बचे हैं, एक बॉल बाकी है, टोटल है चार रन 45 रन 46 रनों का लक्ष्य है, चार रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम गेंद इस ओवर के सामने बल्लेबाज योगेश पाटिल, मारने की कोशिश, एक और डॉट गेंद की समाप्ति, बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब, बेहतर उम्मीद के साथ यहां पर गेंदबाजी की, जैसी उम्मीद के साथ बल्लेबाजी की प्रतीक पाटिल ने उसी उम्मीद के साथ यहां पर गेंदबाजी की है, क्योंकि इस ओवर में सिर्फ चार रन खर्च किए जब 46 रनों की जरूरत थी टीम जोया इलेवन घेसर को, और उस दौरान उन्होंने सिर्फ चार रन दिए। अब जीतने के लिए 18 गेंदों का खेल बचा है और 42 रन चाहिए, 18 गेंदे 42 रन सिद्धिविनायक वहाल टीम के आज सपोर्टिंग में एक आदर्श व्यक्ति महत्व सीनियर क्रिकेटर अमर शेख पाटिल, वो भी इस मैच का मजा ले रहे हैं, उनके साथ उनके काफी समर्थक है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, और आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सिद्धिविनायक वहाल टीम का। लेकिन अंकित यही सोच में पड़ रहे हैं पूरे दर्शक कि इस माहौल में जब आप टॉस जीतते हैं, यानी कि 5:30 बजे का जब माहौल होता है, तो उस दौरान
जो भी टीम टॉस जीतती है उसे वो बल्लेबाजी में फैसले को तब्दील करते हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो चलो निर्णय अंपायर यहाँ पर आपस से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जितेश और जीतू और वैभव पाटिल, तो यस अंपायर कॉल। यस अंपायर, यस वाइट कॉल वाइट। तो 5 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आने की कोशिश। यहां पर पटकी पर गेंद, तेज गेंद को हुक के माध्यम से खेलने का प्रयास किया था। शॉर्ट मिड ऑन की तरफ आए थे प्रतीक पाटिल दौड़कर लॉन्ग आउट क्षेत्र से, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बल्लेबाज भी चतुराई के साथ ये 2 रन लेने में कामयाब हुए। 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 2 से आगे आता हुआ तकरीबन 7 रन। रोनित पाटिल ने आज काफी अच्छा साथ दिया स्कोरिंग की भूमिका में। फुल टॉस गेंद थी, उठाने का प्रयास, गेंद को मिलेगी पनिशमेंट, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। क्योंकि क्रिकेट में देखी जाए तो फुल टॉस गेंद एक ललचाने वाली गेंद होती है, उस गेंद के ऊपर ऐसे ही स्ट्रोक लगते हैं और बिल्कुल ये मेजबानी थी बल्लेबाज सूरज को। मारने की कोशिश और इसी के साथ एक बड़ी सफलता, सूरज मात्रे के पारिकान और जो 11 घेसर टीम को लगता हुआ एक बड़ा झटका। तेरह गेंदों का खेल बचा हुआ और 26 रन चाहिए। गेंद और बीच में फासला देखा जाए तो जरूर है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो ऐसे यदि हिट आते हैं तो निश्चित रूप में फासला दूर होने में देरी नहीं लग सकती है, लेकिन देखा जाए तो ये संघर्ष चल रहा है बीच मैदान के अंदर, क्योंकि संघर्ष करना ही गेसर टीम का हमेशा मनसूबा रहा है। और ये देखिए, ये मेरे हिसाब से एक बड़ी सफलता मिली है, ये टर्निंग पॉइंट वाला विकेट मिला है। जैसे ही स्ट्रोक खेला और रन लेने की कोशिश की गोरख ने और वहां से जगह छोड़ी योगेश ने और गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रो में शानदार यहां पर फील्ड किया, और जैसे ही फील्ड किया और उन्होंने देखा कि रन लिए जा रहे हैं तो उन्होंने यहां पर निश्चित रूप में योगेश को रन आउट किया, एक बड़ी सफलता यहां पर प्राप्त की। और ऐसे में देखा जाए तो
स्क्रीन के ऊपर निश्चित रूप में रनआउट के ऊपर सफलता मिली है। तो दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर की बात करें तो 20 रन अब जीतने के लिए 12 गेंदे बचे और 26 रन चाहिए। 12 गेंदों का खेल महज बचा हुआ है और 26 रन चाहिए। हाई वोल्टेज मुकाबला अभी भी मैदान के अंदर जारी है। एक तरफ सिद्धिविनायक वहाल तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इस मैदान के अंदर जोया 11 घेसर। संघर्षमय मुकाबला इस मैदान के अंदर जारी है। जोया 11 टीम के स्पॉन्सर प्रेम भंडारी उर्फ भाऊ अब इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अनिल ढोपरी, अजय भंडारी सभी यहां पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे उत्तम शर्वीर उनका भी यहां पर आगमन हो चुका है। शिवसेना का एक बुलंद आवाज, सक्षम नेतृत्व, रन लेने की कोशिश, दूसरा रन पूरा किया। तो स्वागत है उत्तम शर्वीर आपका इस मंच के ऊपर। हमारे प्रकाश शर्वीर भी हैं, वो मैच देख रहे हैं। आज दिन भर पूरे मैचेस उन्होंने देखे और एक क्रिकेट के शौकीन है। हमेशा कहीं भी टूर्नामेंट हो वहां पर प्रकाश भोईर की उपस्थिति होती है और निश्चित रूप में पूरे मुकाबले मैदान में जाकर वो देखते रहते हैं, क्योंकि बाहर से देखने का वो आनंद काफी उठाते हैं। और मोबाइल के ऊपर भी जब आते नहीं तो घर में देखकर लाइव के माध्यम से देखते हैं, तो ये शौक होता है। तो स्वागत है प्रकाश भोईर आपका भी इस मैदान के ऊपर। तो जीत के लिए यहाँ पर संघर्षमय मुकाबला चल रहा है। जीत के लिए अभी भी 10 गेंदे बचे हैं और 24 रन चाहिए। तीसरे अंपायर की मांग की गई है, तो जाइए रोहित पाटिल दौड़िए। तो गेंदबाजी में हम देख रहे हैं आकाश खरत। तो सामने बल्लेबाज है आशीष भोईर। आशीष भोईर और गोरख मांगरुलकर पिछले मैच में चौका लगाकर मैच को जिताया था पाली के खिलाफ। एक गेंद में जब दो आए थे तो इसी बल्लेबाज ने चौका लगाया था। ये देखिए बेहतरीन शॉट, दूसरी की कोशिश। गोरख मांगरुलकर दौड़ते हुए रफ्तार के साथ दौड़े थे। पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया और दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा होता हुआ। इन दो रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 2 से आगे आता हुआ 24 रन, 24 रन। अभी भी 22 रन चाहिए, बची भी 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 9 गेंदे 22 रन। अमर शेख पाटिल थोड़े से टेंशन में जरूर है, लेकिन इस समय यहां पर मेरे ख्याल से इस थ्रो को मारना चाहिए तरुणित, क्योंकि ये मौका था उनके लिए। क्योंकि बैकअप में तो खिलाड़ी दो खिलाड़ी थे, यदि हिट होता तो एक बड़ा विकेट आपके हाथ में आ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाल बाल बचे मेरे हिसाब से। तो एक रन जरूर मिला, स्कोर है 25 रन। अब देखा जाए तो गोरख मांगरुलकर के ऊपर काफी आशाएं हैं, जिम्मेदारी है, उम्मीद है। मारने की कोशिश लेकिन बीट किया। ये देखिए रफ्तार के साथ गेंद को फेंका गया। गेंदबाज काफी बेहतरीन तरह से प्रयास कर रहे हैं अंकुश आकाश घरत। अब बचे भी गेंदे हैं 7 और जीतने के लिए 21 रन चाहिए। 7 गेंदे 21 रन। इस गेंद के ऊपर यदि बड़ा हिट आता है तो मैच में अस्तित्व बचकर रह सकता है गेसर टीम का, लेकिन बड़ा हिट तो नहीं। लेकिन कार्पेट का इस्तेमाल, स्क्वायर में आती भी गेंद। प्रतीक पाटिल रन लेने की कोशिश और ये देखिए यहां पर रन आउट। गोरख मांगरुलकर रन आउट के रूप में आउट हुए। अंतिम गेंद के ऊपर एक ही रन और भी विकेट मिला गोरख मांगरुलकर का। ऐसे में 3 ओवर का महज खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर देखा जाए तो 26 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदे बची हैं और 20 रन चाहिए। खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए रन चाहिए 20। आप देखिए 6 गेंदे 20 रन, 20 रन घेसर टीम के खिलाफ सिद्धिविनायक वाहल ने बनाए थे।
आप वही 20 रन सिद्धिविनायक वहाल के खिलाफ जो या 11 गेसर को बनाने लेकिन क्या होगा इस मैदान के अंदर, बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर आया छक्का। बीस रन पहली गेंद के ऊपर आया छक्का, पांच गेंदे अब 14 रन। योगेश आशीष भुईर, लेकिन गेंदबाजी में हम देख रहे हैं सक्षम पाटिल, घनश्याम पाटिल, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन डिलीवरी। ऐसे में देखा जाए तो यहां से आई डॉट गेंद। अब यहां पर बच्चे भी चार गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए 14 रन चाहिए, चार गेंदे 14 रन। सामने बल्लेबाज आशीष भुईर आने की कोशिश, और ये देखिए बाल बाल बचे, और इसी के साथ एक रन के ऊपर बल्लेबाज आउट, लेकिन स्ट्राइक खुद आशीष लेना चाह रहे हैं। तो अब तीन गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए 13 रन चाहिए। अब तीन गेंदे 13 रन, अब 3-13 किसके बचेंगे, 13 रन देखना है अंतिम दौर में चलता है मुकाबला। पहले गेंद के ऊपर आया छक्का, उसके बाद दो गेंदे काफी निर्णायक पेकी गेंदबाज घनश्याम ने। ऐसे में देखा जाए तो यहां से अब मैदान के अंदर जो बल्लेबाज जिस बल्लेबाज आशीष भुईर के ऊपर आशा है, उम्मीद है, जिम्मेदारी है उस बल्लेबाज के ऊपर, यहाँ पर उम्मीद जताई जरूर है, लेकिन देखना है उम्मीद का दिया कितना जलता है। तीन गेंदे बचे, 13 रन चाहिए। सामने गेंदबाज है घनश्याम, तो चलो सिद्धिविनायक वहाल टीम सुबह पहला मैच दूसरा मुकाबला खेली थी, आने की कोशिश उठाने का प्रयास, गेंद के नीचे है खिलाड़ी और क्या जरूरत थी। तो बल्लेबाज यहां पर रन आउट, अब दो गेंदे 12 रन। बची है और 12 रनों की जरूरत है, चलो दो गेंदे 12 रन। देखिए बीआरसीसी चषक अभी तक जारी है, चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो काफी वक्त बीत चुका है, बहुत से आज के दिन के मैचेस समाप्त हुए हैं, लेकिन यह मैच अभी भी चल रहा है, संघर्षमय मुकाबला अभी भी मैदान के अंदर। दो गेंदों का खेल बचा है, 12 रनों की अभी भी दरकदार है, 46 रनों का लक्ष्य था, लेकिन अब तक का स्कोर है 34 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदे, दो गेंदे और 12 रन चाहिए, 2-12 का समीकरण, 2 छक्के। तो घनश्याम, लेकिन सामने बल्लेबाज हैं बाएं हाथ के दीप मात्रे, चलो वहाल टीम जल्द से जल्द यहां पर स्पीड अप कीजिए, सिर्फ दो गेंदों का खेल बचा हुआ है, दो गेंदे 12 रन। सामने बल्लेबाज दीप मात्रे, शॉर्ट फीस गेंद थी ये, मेजबानी थी मेरे ख्याल से, ये काफी बड़ी गेंद थी, ये गेंद यदि बल्ले के पल्ले सही ढंग से लिया होता तो ये मानो 100% छक्का आ सकता था, लेकिन जल्दबाजी नजर आई मेरे ख्याल से बल्लेबाज की। तो आप एक गेंद बची है और 11 रन चाहिए, अंकित देखिए आप देख सकते हैं लाइव के माध्यम से ये गेंद किस तरह की थी। हर्षद पाटिल भी कुछ टेंशन में आए थे ये गेंद डालने के बाद, देखने के बाद वो भी प्रेशर में आए थे, लेकिन बल्लेबाज जल्दबाजी में दिखे। अब एक गेंद है 11 रन, पूरी तरह से मैच वहाल टीम के पक्ष में जरूर है। चलो
चलो अंतिम गेंद बची है, 11 रन चाहिए। और इसी के साथ मुकाबला 5 रनों से जीती है टीम सिद्धिविनायक वहाल टीम। जीत की बधाई, लेकिन घेसर टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए क्रिकेट में जब आप पंजा देते हैं तो उसका हर्ष यही होता है, तो जरूर यहां पर कोई बात नहीं है, लेकिन संघर्ष अच्छा किया घेसर टीम ने, काफी तारीफ लायक खेल यहां पर उन्होंने दर्शाया। तो सूरज आपका मैन ऑफ द मैच बाकी है पिछले मैच का, सूरज आइए, सूरज जी अपन तो रिया सामने से सामना भी नकिस प्रतीक पाटिल अपन देऊ।